1 जून वर्ष 1842 में सत्येंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ। वे भारतीय सिविल सेवा में उत्तीर्ण होने वाले पहले भारतीय थे। अपना प्रोबेशनरी प्रशिक्षण पूरा कर वर्ष 1864 में वे पहले भारतीय के तौर पर भारतीय सिविल सेवा में नियुक्त हुए। सत्येंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सत्येंद्रनाथ को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नियुक्त किया गया। लेखक, भाषाविद और समाज सुधारक सत्येंद्रनाथ ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय महिलाओं की दुर्दशा की मुक्ति के लिए अपनी आवाज बुलंद की। 1 जून वर्ष 1874 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया। दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शाही फरमान से इसे पंजीकृत किया गया। दक्षिण पूर्वी एशिया और खासतौर पर भारत के साथ व्यापार के लिए कंपनी की स्थापना हुई। इसे मसाले के व्यापार के लिए गठित किया गया। उस समय स्पेन और पुर्तगाल का इस व्यापार में एकाधिकार था। कुछ समय बाद कंपनी ने मसाले के अलावा कपास, रेशम, चाय, नील और अफीम के व्यापार का काम भी शुरू किया। समय के साथ ही इसने राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। इसने लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार के एजेंट के तौर पर भारत में काम किया। वर्ष 1857 में भारतीय सेना के विद्रोह के बाद कंपनी को आंशिक रूप से भंग किया गया और वर्ष 1874 में पूरी तरह से इसे खत्म कर दिया गया। इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के संचालन का काम सीधा अपने हाथों में ले लिया।